वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार कुकिंग आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ खाजा की रेसिपी जो के उड़ीसा बंगाल की फ़ेमस डिश है स्वीट डिश तो आज मैं वो बना रही हूँ तो मैं किस तरीके से बनाऊँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और कुछ टिप्स है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी तो ये मैं इस प्याली के मेजरमेंट से दो प्याली शक्कर लेंगे चाशनी बनाने के लिए तो अभी ये प्याली से मैं दो प्याली शक्कर ले लूँगी इस तरीके से अब इसे मैं एक बर्तन में डाल दूँगी जिसमें हमें चाशनी बनानी है तो एक प्याला और शक्कर इसमें ऐड कर देंगे बस इस तरीके से अब इसे मैं गैस के ऊपर चढ़ा दूँगी और ये चीनी मैंने ले ली है इसके अंदर ना आपको यही क, कप की मदद से मतलब यही प्याले की मदद से मैं इसमें डेढ़ कप के करीब पानी ले रही हूँ ये देखिए ये एक कप अभी ऐड किया फिर मैं इसमें आधा कप ऐड करूँगी ये देखिए तो करीब मैंने दो कप चीनी में डेढ़ कप पानी डाला है और अब इसको मैं गैस पे रख दूँगी और एक तार की चाशनी बनानी है हमें इसे अच्छे से पका के और ये गैस में ऑन कर लूँगी तो बहुत ही ज़्यादा इजी ये बन जाता है ईद ईद के लिए और मैं हर साल ईद में ये बनाती हूँ तो अच्छा लगता है मेहमान आते हैं उनके आगे आप इसे सर्व कर सकते हो तो खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है बस इसी तरीके से तो अभी मैं इसमें कोई ज़्यादा मेहनत नहीं लगती जो वर्का पूरी जो बनाते हैं उसमें जितनी मेहनत लगती है उससे तो मुझे लगता है इसमें कम मेहनत लगती है और आपके पास अगर केसर हो तो केसर पत्ती भी ऐड कर दे इसके अंदर तो मैंने केसर पत्ती इसमें ऐड कर दी है और इसका अच्छा सा लाइट कलर आ गया है तो यहाँ पे मैं चाशनी अच्छे से एक तार की बना लूँगी एक तार की चाशनी आपको नहीं समझ में आ रही है तो मैं आपको बताती हूँ तो इसे आप ना बीच बीच में चेक करते जाए अभी ये हफ है अभी थोड़ी और पकेगी देखो आपको दिख रहा होगा तो देखो इस तरीके से तो अभी ये बिल्कुल भी स्टिक नहीं हो रहा है तो मैं अभी इसको ऐसे ही छोड़ दूँगी पकने के लिए और ये इलायची पाउडर आधा चम्मच इसमें ऐड कर दें अगर आपको इलायची पाउडर का फ्लेवर अच्छा लगता है तो डालिए नहीं तो कोई बात नहीं बस अब देखिए ये थोड़ा स्टिक थोड़ा हो रहा है एक तार बन रहा है इसका तो इसी स्टेज पे ना मैं इसे उतार लूँगी गैस से देखिए दोबारा मैं आपको दिखा देती हूँ कैमरे में देखिए लाई हल्का सा बस ये ये एक तार होता है तो ये एक तार के जैसे ही चाशनी मुझे चाहिए तो ये चाशनी रेडी है तो अभी मैं इसको साइड में रख दूँगी और इसके आगे के प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ तो गैस मैं अभी यहाँ बंद कर दूँगी और इसको ठंडा होने देंगे साइड पे रख देंगे तो यहाँ पे मैंने लिया है आधा किलो के करीब देखिए ये आधा किलो के करीब मैंने मैदा लिया है और अभी मैदे के अंदर मैं ऐड करूँगी घी वनस्पति घी डालिए इसके अंदर वनस्पति घी से अच्छा इसका ये जो बनता है तो देखिए ये आधा किलो के अंदर में एक कप के करीब मैंने घी लिया है घी को मेल्ट कर ले और फिर ऐड कीजिए और पिंच ना इसमें नमक ऐड करेंगे एकदम हल्का सा पिंच नमक डालना है हमें इससे भी टेस्ट जो है ना वो अच्छा आता है इसका आप बोलोगे स्वीट डिश है इसमें नमक क्यों लेकिन नमक डालते हैं स्वीट डिश में तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है इससे तो अभी मैं इसका एक सख्त डो बना बना लूँगी ज़्यादा इसका पतला डो नहीं बनाना है हमें एकदम टाइट डो रेडी करना है इसका तो बस इस तरीके से अभी मैं देखिए पूरे अच्छे से इसके अंदर घी को अ, मिक्स कर रही हूँ ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर घी और इस तरीके का एक ये बनना चाहिए बाइंड होना चाहिए मैदा जो है हाथों में लेते हैं तो तो अभी थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको एक अच्छा टाइट डो बना लूँगी बहुत सिंपल है आप लोग भी ट्राई कीजिएगा ईद के मौके पर तो ये देखिए अभी मैं इसको अच्छे से ना गून रही हूँ और एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे हम लोग और इसका डो रेडी हो जाएगा देखिए डो जैसे अभी रेडी हो गया है ये देखिए थोड़ा टाइट है तो मैं इसे दस मिनट के लिए साइड पे रख दूँगी और इसके आगे का प्रोसीजर मैं आपको दिखाती हूँ और क्या आपको करना है इसमें तो इसके आगे का प्रोसीजर अभी मैं इसको ढक देती हूँ अच्छे से आगे का प्रोसीजर आपको दिखाती हूँ तो ये देखिए ये मैंने आधा कप के करीब मेल्ट घी लिया है वनस्पति घी और इसके अंदर ना मैं दो से तीन चम्मच मैदा डाल दूँगी देखिए तो ये एक दो और ये मैं डाल रही ढाई चम्मच के करीब मैदा लिया है मैंने अब इसे अच्छे से एक पेस्ट बना लेंगे इसका एक स्मूथ सा एकदम ये देखिए तो ये जो है हमारे पत्ती जो बनेगी इसकी लेयर जो बनेगी खाजा पूरी की जो लेयर बनेगी उसके लिए ये ज़रूरी है तो ये देखिए अभी इसको हाथों से ना अच्छे से मसल ले आप ताकि एक स्मूथ डो रेडी हो जाए और इस तरीके से दो हिस्सों में डिवाइड कर ले अभी देखिए मैंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया और अब इसी में से मैं जितने इसके पेड़े बन जाएंगे मैं उतने ही निकाल लूँगी तो मैं ना पाँच पाँच पूरी का बना रही हूँ इसकी लेयर जो है मैं पाँच इसकी बनाऊँगी तो मैं इसमें से दस पेड़े निकाल लूँगी और चार पेड़े ना आप छोटा छोटे साइज़ में रखें और एक पेड़े को थोड़ा बड़ा बनाएं ये देखिए ये पूरे रेडी हो चुके हैं दस इस तरीके से अभी मैं इसमें से पाँच हटा दूँगी और पाँच पे ही काम करेंगे अभी हम तो ये देखिए अभी मैं अब फिर एक 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 करके इसको हटा दिया है और अब मैं इसके ऊपर इसे बेलना स्टार्ट करूँगी इसको साइड पे रख कर और एकदम पतली पतली सी आपने इसकी जितनी हो सके उतनी पतली रोटी बना ले ये देखिए ये देखिए मैं पतली पतली सी रोटियाँ इसकी रेडी कर रही हूँ इस तरीके से तो इस मैं आपको पाँचों रोटियाँ बेल कर और बत बनाऊँगी बताऊँगी कि किस तरीके से मैं ये कर रही हूँ और जो नीचे की रोटी है उसे आपको बड़ा ही रखना है तो ये भी एक आपको मैंने टिप्स दे दी तो ये देखिए अभी इस तरीके से मैं आपको दिखाती हूँ पतली पतली जितनी हो सके उतनी पतली तो इसकी जो लेयर है ना वो बहुत अच्छी बनेगी देखिए कितनी पतली हो चुकी है रोटी बस अब इस तरीके से मैं इनको साइड में रखती जाऊँगी बना कर ये देखिए ठीक है तो अभी मैंने ये रोटी थोड़ी बड़ी साइज़ की बनाई है मैंने आप रोटी को ना थोड़ा बड़ा साइज़ का बनाएं नीचे वाली रोटी को जो सबसे नीचे की रोटी है उसी को सिर्फ बड़ा रखना है आधा से एक इंच आप बड़ा रखोगे ना तो इसका इसका रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे वीडियो पूरी देखिए आप तो बस इस तरीके से ब्रश की मदद से या हाथों की मदद से इस तरीके से इसके ऊपर ये जो हमने बनाए पेस्ट उसे अच्छे से फैला दें तो ये लेयर को खुलने में मदद करेगा जो इसके ऊपर लेयर जो दिखती है खाजा के ऊपर तो वो लेयर जो है ना गरम पकने के बाद जो खुलती है तो वो इसीलिए खुलती है कि हम ये जो ऐसे देखें ये साइड से आपको दिख रहा है आधा इंच रोटी मैंने बड़ी रखी है नीचे वाली तो इसी तरीके से मैं पाँचों के ऊपर ये लगा दूँगी हमारा घी वाला पेस्ट है जो अच्छे से लगाए चारों बाजू से कहीं से भी ना छूटना चाहिए जहाँ से ये आप अगर छोड़ दोगे तो वो हिस्सा आपका फूलेगा नहीं और उसकी लेयर नहीं दिख कर आएगी अगर आप इसे अच्छे से कवर करोगे ये घी के पेस्ट के साथ तो लेयर जो है ना वो उठ कर दिखेगी आपकी हाँ आपने कुछ बनाया है और यकीन माने आप जो ये मेहनत करेंगे तो आपकी मेहनत वेस्ट नहीं जाएगी ये बहुत ही अच्छा बनकर तैयार होता है बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं ये तो बस इस तरीके से अभी पाँचों पे मैं ये लगा कर इसको रेडी कर लूँगी ये देखिए चारों तरफ से मैं इसलिए आपको पूरा बता रही हूँ कि आप ये ना सोचें कि आपने सिर्फ इस यही इसी पर लगाया दूसरे वाली पे नहीं लगाया इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि मैं चारों चारों पाँचों के ऊपर किस तरीके से इसको ये कर रही हूँ ताकि आपके समझ में आ जाए आपके लिए ईजी हो और एक ध्यान रखें कि इसके अंदर एयर नहीं आना चाहिए बिल्कुल भी एयर बबल नहीं बननी चाहिए हाथों की मदद से आपने एयर बबल को बाहर निकाल देना है एयर बिल्कुल नहीं इसमें रखना है वरना जब आप खाजा बनाओगे ना तो वो इसे ऊपर से ना फूल कर आ जाएगा और देखो ये किनारे वाला जो रोटी है जो मैंने एक्स्ट्रा छोड़ा था तो इसके ऊपर ना अच्छे से पानी से इसको कवर कर ले और बस इस तरीके से ये देखो और इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर कर एकदम टाइट एक ये बना ले रोल ये देखिए इस तरीके से हाथों की मदद से दबाते जाए और एयर जो है उसे भी साइड से निकालते जाए इजीली एयर भी निकल ही जाएगा आ, हाथ फेराओ फिराते जाओगे ना तो वो एयर भी बाहर आ जाएगा और इस तरीके से हाथ से इसे अच्छे से आपस में मिला ले जैसे आप एक दो बार इस तरीके से करोगे ना तो ये चिपक जाएगा अच्छे से और इसकी जो साइड की किनारी है ये एक्स्ट्रा इसे हल्का हल्का सा आपको निकाले ना इसे कोई आपको फेंकना नहीं है आप इसे भी फ्राई करके जी भाई ये महंगाई बहुत है तो देखिए अभी मैं इस तरीके से इन्हें जो निकाल रही हूँ मैं इसे फेंकूँगी नहीं इसे भी मैं फ्राई करूँगी और यूज़ करूँगी भाई फेंकूँगी नहीं ये देखिए ठीक है ना तो अभी उधर वाली साइड का भी मैं निकाल लेती हूँ और अच्छी तेज़ धार वाली आप छुरी इस्तेमाल कीजिए तो ये इज़ीली निकल आएगा ये देखिए ठीक है तो बस अब इसके आधा आधा इंच के मैं पीस कर लूँगी ये देखिए आधा आधा इंच आप अपने हिसाब से पर ज़्यादा बड़ा ना रखें आधा या एक इंच के हिसाब से ही इसे काटें ज़्यादा बड़ा ये अच्छा भी नहीं लगेगा देखने में तो अभी सभी को मैं इस तरीके से निकाल लूँगी एक एक करके ये देखिए इसकी लेयर देखिए आप जो इसके ऊपर जो परत आई है वो देखिए और बस इस तरीके से हाथ से ही इसे दबा दें बहुत से लोग इस पर बेलन भी लगाते हैं लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी कि बेलन का यूज़ ना करें क्योंकि लेयर जो है वो दब जाएगी और अच्छे से खिल कर जो है ना वो दिखेगी नहीं तो ये देखिए सब मैंने कटिंग कर लिया है और अब मैं इन्हें हाथों की मदद से ही दोनों हथेलियों के बीच में इसे रख के ना देखिए हल्का हल्का प्रेस करें आप ज़्यादा टाइट प्रेस भी मत कीजिए हल्का हल्का प्रेस करोगे ना ये देखिए तो कितना अच्छा शेप बन रहा है हाथ की ही मदद से बहुत अच्छे सा शेप बन जाएगा ये देखिए है ना कितने अच्छे रेडी हो रहे और अभी आपको मैं फ्राई करके भी दिखाऊंगी कि ये किस तरीके से और कितने अच्छे बन के तैयार होते हैं तो ये देखिए माशाल्लाह बस इसी तरीके से सब रेडी कर लूँगी तो मैंने सब रेडी कर लिए है और तेल भी मैंने गरम करने रख दिया था साइड में तो अभी मैं एक एक करके तेल को बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है हमें एकदम हल्का गरम करना है ताकि धीमी आँच पे ही इसे पकाना है आज को फास्ट करके नहीं पकाना है वरना ये ऊपर ऊपर से पक जाएंगे और अंदर से कच्चे रहेंगे उसमें कुछ मज़ा आएगा नहीं आपकी मेहनत वेस्ट हो जाएगी तो इतनी मेहनत आप कर रहे हो तो थोड़ी मेहनत और थोड़ा टाइम और ठीक है तो बस इस तरीके से इसे आप धीमी आंच पर फ्राई कीजिए ये ऑटोमेटिक फूल के ऊपर आ जाएंगे और देखिए माशाल्लाह और लेयर इसकी आप लेयर देखिए कितनी अच्छी लेयर बनकर रेडी हुई है तो इसे गोल्डन ब्राउन होने तक के मैं फ़्राई करूँगी इसी तरीके से चला चला कर इसे आप दोनों साइड से इसे पलट पलट कर अच्छे से फ्राई कर ले देखिए गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है इसे थोड़ा और लाइट कर दूँगी और डार्क कर दूंगी या देखिए माशाल्लाह देखिए इस तरीके से इसे इस तरीके से ना इसे बर्तन के ऊपर लगा के रखें ताकि एक्स्ट्रा ऑयल बाहर निकल जाए और ये चाशनी के अंदर मैंने डिप कर दिया है देखिए चासनी ठंडा होने के बाद थोड़ी और गाड़ी हो जाती है तो इसका टेंशन ना ले बस इसे इस तरीके से ये देखिए इसको अच्छे से कवर कर ले और इसे बाहर निकालने के लिए आप फॉक या चम्मच की मदद भी ले सकते हो और ये काफ़ी गर्म है तो ध्यान से काम करिए देखिए इसे पलटा पलटा के दोनों साइड पे ना पलट पलट के इसे दोनों तीनों चारों साइड से मैं इसे ये लगा दूँगी चाशनी में इसको कवर कर लेंगे अच्छे से ये देखिए दिख रहे ना एकदम कमाल के और लाजवाब तो देखिए आधे तो मैंने इसमें निकाल लिए थे और अब ये एक एक करके इन्हें भी निकाल लूँगी तो एकदम माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा अच्छे बन के तैयार होते हैं ये ये देखिए कलर भी देखिए इनका और इसको आप पंद्रह से बीस दिन रख कर आराम से खा सकते हो कोई टेंशन की बात नहीं है एयर टाइट डब्बे के अंदर इसे बंद कर दे फ्रीज करें तो भी कोई टेंशन नहीं है या बिना फ्रिज के रखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं है ये ख़राब नहीं होते जैसे हलवाई के यहाँ से हम लेकर आते हैं बस उस तरीके के ही ये बन के घर में भी रेडी होते तो ये देखिए और ट्राई ज़रूर कीजिएगा और ये गरम बहुत है मैं आपको एक पीस तोड़ के दिखाती हूँ गरम है बहुत बहुत ही ज़्यादा गर्म है मैं इसे तोड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि गर्म है बहुत नहीं ये हो रहा है लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और जूसी रहते हैं तो आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए और कमेंट करके बताइएगा कि आपके यहाँ ईद में क्या बनता है और ये अगर आपने बनाया है तो इसके लिए भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा फिर मिलती हूँ अगली रेसिपी में अस्सलाम वालेकुम